ప్రసన్నం జ్ఞానస్వరూపం నిజబోధరూపం యోగేంద్రమేద్యం భవరోగవైద్యం శ్రీమద్గురుం నిత్యమహం నమః. విశ్వం దర్పణ దృశ్యమాన నగరీ తుల్యం నిజాంతర్గతం పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిర్విభో భూతం యథా నిద్రయా. యః సాక్షాత్ కురుతే ప్రబోధ సమయే స్వాత్మానమేవాద్వయం తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమః. శ్రీదక్షిణామూర్తయే లోకాభిరామం రణరంగధీరం రాజీవనేత్రం రఘువంశనాథం కారుణ్యరూపం కరుణాకరం తం శ్రీరామచంద్రం శరణం. కరారవిందేన పదారవిందం ముఖారవిందే వినివేశయంతం వటస్య పత్రస్య పుటే శయానం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి. కరచరణకృతం వా కాయజం కర్మజం వా శ్రవణనయనజం వా మానసం వా అపరాధం అవిహితమవహితం వా సర్వమేతత్ సమస్వ జయ జయ కరుణావతీ శ్రీ మహాదేవ శంభు. మనోజవం మారుత తుల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూథ ముఖ్యం శ్రీరామ దూతం శరణం ప్రపద్యే. యా కుందేందుతుసారహారధవలా యా శుభ్రవస్త్రావృతా యా వీణావరదండమండలికరా యా శ్వేతపద్మాసనా యా బ్రహ్మాచ్యుతశంకరప్రభృతిర్దేవః సదా వందితా సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాః. యం ప్రవ్రజంతమనుపేతమపేతకృత్యం ద్వైపాయనో విరహకాతర ఆద్భావ పుత్రేతి తన్మయతయా తరవోభినేదుష్టం సర్వభూతహృదయం మణిమాస్తోస్మి. సర్వభూతహృదయం మణిమానతోస్మి. మంచాసీన్ సమ్మాననీయ సాధు సమాజ్ ఉపస్థిత్ సత్సంగ ప్రేమీ సజ్జన బృంద్ మాతావ్ తథా బహనో, बड़ा ही आश्चर्यमय प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है. यमुना जी के तट पर नारद जी ने भक्ति को रोते हुए देखा. और ज्ञान वैराग्य को सोते हुए देखा.
राम कथा में आप लोग सुनेंगे भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भाई मेरी भक्ति अनुपम सुख की जड़ है। जब जीवन में संत अनुकूल हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तब वह भक्ति प्राप्त होती है। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और समस्त सुखों की खानी है। सब सुख सब आनंद भक्ति से प्राप्त होते हैं। प्रजाओं को उपदेश देते हुए भगवान श्री राम ने कहा था, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण सुति गाई। भक्ति का मार्ग सुलभ है, सुखदायक है। पिता से पुत्र को दुख हो सकता है, संभव है। पुत्र से पिता को कष्ट हो सकता है, संभव है। भाई से भाई को कष्ट हो सकता है, संभव है। पति से पत्नी को, पत्नी से पति को दुख हो सकता है, संभव है। मित्र से मित्र को दुख हो सकता है, संभव है। धन से वैभव से दुख हो सकता है, संभव है। लेकिन भगवान का वचन है, भक्ति से कभी दुख नहीं हो सकता, यह असंभव है। भक्ति से जब भी मिलेगा तो सुख ही मिलेगा। भगति तात अनुपम सुख मूला, अनुपम सुख की जड़ भक्ति है। जिस भक्ति की इतनी महिमा, जिनसे समग्र सुख प्राप्त होते हैं, उसी भक्ति को आज नारद जी यमुना जी के तट पर रोते हुए देखा। जो भक्ति खुद रो रही है, उन भक्ति के द्वारा संसार को सुख कैसे मिलेगा। भक्ति आर्तनाद कर रही है। कितना आश्चर्यमय प्रसंग है। सर्वत्र यह सुनने को मिलता है, भक्ति से सुख मिलता है, भक्ति से आनंद मिलता है। आज भक्ति यमुना जी के तट पर रो रही है। क्यों रो रही है? ज्ञान वैराग्य के लिए। ज्ञान जीर्ण हो चुका है, वैराग्य जीर्ण हो चुका है। दोनों मूर्छित पड़े हुए। इस प्रसंग से जानने में आता है, भक्ति तभी सुखदायिनी हो सकती है जब भक्ति ज्ञान से संयुक्त हो। भक्ति तब सुखदायिनी होती है जब भक्ति वैराग्य से संयुक्त हो। ज्ञान वैराग्य से हीन जो भक्ति है वह सुखदायिनी नहीं हो सकती। ज्ञान पूर्वक वैराग्य पूर्वक जो भक्ति की जाती है उसी से सुख मिलता है। ज्ञान वैराग्य से हीन भक्ति से सुख और आनंद प्राप्त नहीं होता। बहुतों को देखता हूं, पैरों में धागे बांधते हैं, फेरे लगाते हैं, बद्रीनाथ जा रहे थे कुछ विदेशी लोग, हम भारतीयों को देख करके हंस रहे थे। देखोगे भारतीयों की दुर्दशा, ये पत्थर में सिंदूर लगाया और सड़क के किनारे रख दिया,
और सारे विदेशी लोग झाड़ियों में छिप गए, तो देखना भारतीयों की हालत बस उसी में सब लग गए। इस तरह की भक्ति से सुख नहीं प्राप्त होता। ज्ञान वैराग्य से हीन भक्ति, कहीं पूजने लग जाओ, किसी को बजने लग जाओ, कहीं लग जाओ, यह अज्ञानता पूर्ण भक्ति है। इलाहाबाद में कुंभ के मेले लगे हुए थे, एक इंग्लैंड का व्यक्ति कुंभ के मेले में गया हुआ था, उसे शौच जाने की इच्छा हो गई, शौचालय में जाने की इच्छा हुई, लेकिन आसपास में कहीं शौचालय मिला नहीं। एक दुकान के पीछे शौच कर लिया, लेकिन इस पवित्र मेले में खुले में शौच करके जाना उसे अच्छा नहीं लगा। उस शौच के ऊपर अपनी टोपी रख दी, विदेशी था, कीमती टोपी थी, शौच के ऊपर टट्टी के ऊपर टोपी रख दिया और चले गए। कुछ लोग मेले में इधर उधर घूमते हुए दुकान के पीछे गए, देखा बड़ी कीमती टोपी रखी हुई है। उनमें से एक दो अंधी भक्ति करने वाले थे, उन्होंने कहा ये तो लगता है कोई देवता प्रकट हो गया, भगवान प्रकट हो गए। साजी में फूल था, बेलपत्र था, उसी टोपी के ऊपर चढ़ा दिया। अय्यप को चढ़ाते हुए देख करके दो चार जो पीछे थे उन्होंने भी चढ़ा दिया, फूल बिल पत्र से टोपी ढक गई। अब तो लाइन लग गई, इतनी बड़ी लाइन कि कुंभ के मेले वहीं पर इकट्ठे हो गए सब लोग, बस वहीं कौन देवता है, कौन देवता है, किसकी पूजा कर, झपैया भगवान प्रकट हुआ है। बड़ी पूजा और सैकड़ों पुलिस की ड्यूटी पड़ गई, बोरी के बोरी रुपए इकट्ठे होने लग गए, सब वही जमा हो गए। मीडिया वालों ने इतना उछाला, साक्षात भगवान कुंभ के मेले में प्रकट हुए हैं, सारे लोग दर्शन कर रहे हैं। वह अंग्रेज भी घूमते घामते कहीं से वहां पहुंच गया, ये दुकान के पीछे तो मैंने टट्टी की थी, यहाँ तो पूजा हो रही है, भगवान प्रकट हो गए, देखना चाहिए तो भगवान को, लेकिन इतनी लंबी लाइन थी कौन जाने देगा। जो भीड़ को हटाने वाले थे, जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस वहां खड़ी थी, उनको तो 4-5 हजार रुपए धीरे से हाथ में पकड़ाया, हमें थोड़ा सा भगवान का दर्शन नजदीक से करने दो। तो 4-5 हजार रुपए पकड़ा दिया और नजदीक से दर्शन कराने लगा, पहचान लिया कि तो हमारी टोपी है, इस टोपी को थोड़ा सा हटाओ तो देखूंगा उसके अंदर भगवान कैसा है। जैसे टोपी को हटाया तो टोपी के नीचे टट्टी थी, तब लोगों का हे भगवान क्या दुर्दशा आज लोगों की है, टट्टी तक को भी यहाँ के लोग पूजने लग जाते हैं, पेड़ पौधे पत्थर को पूजे ये कौन बड़ी बात। इस तरह की भक्ति जो है कलयुग में रोती रहती है। ज्ञान वैराग्य से हीन जो भक्ति है वह रुदन करती है। ज्ञान पूर्वक भक्ति होनी चाहिए, वैराग्य पूर्वक भक्ति होनी चाहिए। एक ठग महात्मा ने घोषणा करा दिया, मीडिया को कुछ पैसे दिया, घोषणा करा दिया कि हम 8 दिन के अंदर शिव जी को यहाँ प्रकट करेंगे। दुनिया में लहर फैल गई। उन्होंने क्या किया, जमीन को खोद कर एक बोरी चना दबा दिया, चने की बोरी के ऊपर एक शिवलिंग को रख दिया, मिट्टी से ढक दिया,
उस बोरी के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल डालता गया, चना फूलता गया। जैसे जैसे चना फूलता गया वैसे वैसे शिवलिंग नीचे से ऊपर आता गया। जैसे ऊपर आया सारी दुनिया इकट्ठी हो गई, इतने बड़े महापुरुष हैं कि जमीन के नीचे से इन्होंने भगवान शिव को प्रकट कर दिया। शिव जी प्रकट हो गए, सारी दुनिया पूजा में लग गई, बोरी के बोरी रुपए इकट्ठे होने लग गए। कई बोरी रुपए को महात्मा ने इकट्ठा कर लिया, लेकिन महात्मा को तो पता था अब तक तो चना फूल रहा है तो शिव जी बाहर आ रहे हैं, और जब सड़ेगा तो शिव जी भीतर भी जाएंगे। तो फूल रहा है तो बोरी में पैसे भी फूल रहे हैं, और जब धसने लग जाएंगे अंदर तब तो कपट खुल जाएगा तो सारी बोरी निकल जाएगी यहाँ से। इसीलिए चना सड़ने से पहले यहाँ से भाग निकलो, रातों रात रुपए के सारी बोरी लेकर के वह ठग भाग गया। अब जब चना सड़ने लग गया तो शिव जी नीचे को जाने लग गए। अब तो और कीर्ति उनकी हो गई, देखो कितने बड़े महापुरुष थे, जब तक वे यहाँ रहे तब तक तो शिव जी का दर्शन होता रहा, और वे महापुरुष जब चले गए तो शिव जी रसातल को जा रहे। इतने दुखी हो गए शिव जी, अहो खोजो उस महात्मा को, कहाँ गए, महात्मा का आए के लिए मिले। तब किसी ने सोचा कि शिव जी यहाँ से प्रकट कैसे हो गया, नीचे क्यों जा रहे, एक बार खुदाई करके तो देखो। खुदाई करके जब देखा तो चना की बोरी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ था। कुंभ में ऐसे बहुत आपको मिलेंगे, अभी तो मेला जमा नहीं है यहाँ पर, 15 मार्च के बाद यहाँ तमाशा देखेंगे क्या क्या यहाँ होगा, कहाँ कहाँ से लोग किस किस रूप में आएंगे और बोरी बांध बांध करके यहाँ से जाएंगे। 70 ताले लगे हुए थे, सावा मन लोहे की जंजीर से शरीर जकड़ा हुआ था पिछले अर्ध कुंभ के मेला इलाहाबाद में। मीडिया वालों ने इतना प्रचार किया आधा कुंभ उन्हीं के पास पहुंच गया। मेरे से भी बहुतों ने कहा, मेरे शिविर में रहने वाले भी बहुत लोग दर्शन करता है। मैंने कहा पिछले जन्म में वह हाथी होगा इसीलिए जंजीर से जकड़ा हुआ है। कहा जा रहे हो, यह आडंबर है, पाखंड है। जब भक्ति प्रकट हो जाती है, भक्ति का जब प्रदर्शन होने लग जाता है तो भक्ति नहीं रह जाती, उसका नाम आडंबर हो जाता है, उसका नाम पाखंड हो जाता है। भक्ति का प्रदर्शन या आडंबर कहलाता है, पाखंड कहलाता है। भक्ति तो इतनी गुप्त चीज है कोई बिरले पुरुष ही जान पाते हैं। भक्ति को गोपनीय रखना है। ज्ञानमयी भक्ति, वैराग्यमयी भक्ति जो होती है वो अत्यंत गोपनीय होती है, किसी को पता नहीं चलता यह आदमी क्या करता है। सिख धर्म के नौवें गुरु गड्ढा खोद करके साधना करते थे, और पाखंडी लोग नौवीं गद्दी पर बैठने के लिए 22 गद्दी लगा करके बैठे हुए थे। श्री चंद जी महाराज ने शापित कर दिया था, साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचे बगैर जो इस गद्दी पर बैठेगा उसको कुष्ठ की बीमारी हो जाएगी। तो गद्दी पर बैठना तो सब चाहता था लेकिन साधना में पूर्णता थी नहीं, इसीलिए सब अलग से गद्दी बना बना करके बैठ गए थे, गद्दी खाली थी। बड़ा भारी इतिहास है, सुनाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे कहने का अभिप्राय अंततः उसी महात्मा को उस सिंहासन पर बिठाया गया जो गड्ढा खोद करके भजन कर रहे थे, उनको लोग तेगा तेगा कहते थे। वही सिख धर्म के नौवें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर जी महाराज। भक्ति तो अत्यंत गोपनीय चीज है,
टट्टू ऐसी प्रीति कर बर्धन चाहे चोर आठ पहर निरखत रहे जैसे चंद चकोर। चोर को यदि कोई चोरी करते हुए देख लेगा, चोरी के लिए जाते हुए देख लेगा तो वह चोरी कर पाएगा नहीं कर पाएगा। उसी तरह से भक्ति करते हुए यदि दुनिया देख लेगी तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर तो वरदान देने में लग जाएंगे, रिद्धि सिद्धि दिखलाने में लग जाएंगे। जैसे दिखलाने में लग गए वैसे भक्ति खत्म, अब प्रदर्शन हो गया। भक्ति तो अत्यंत गोपनीय चीज है। भक्ति का जब प्रकटीकरण होता है, प्रदर्शन होता है, तब वह आडंबर कहलाता है, वह पाखंड कहलाता है। वह पाखंडमयी भक्ति ज्ञान वैराग्य से हीन भक्ति रुदन करती है, अर्थात उस भक्ति को प्राप्त कर भक्तों का रोना धोना नहीं छोड़ता है। भक्ति क्या रोएगी, भक्ति को रोना क्या है, भक्ति को व्यक्ति है जो रोता है। ज्ञान से हीन जो भक्ति की जाती है, वैराग्य से हीन जो भक्ति की जाती है, ज्ञान वैराग्य से हीन भक्ति जो है उससे सुख और शांति नहीं मिलती। भक्त सब दिन रोते ही रहता है और रो ही रहा है। मेरे पास तो बहुत भगत आते हैं, महाराज शांति नहीं मिलती, महाराज सुख नहीं मिलता है। हरिद्वार आए, ऋषिकेश आए, वृंदावन आए, मथुरा आए, सब जगह आए, सब जगह जाकर के भक्ति की, फिर भी रोना धोना नहीं छूट रहा है। भगवान का वचन झूठ हो गया क्या, भगति तात अनुपम सुख मूला। अनुपम सुख की जड़ मेरी भक्ति है, उस भक्ति को करते हुए भी तो तुम्हारा रोना धोना नहीं छूटा। कौन भक्ति कर रहे हो, रोने वाली भक्ति। जिस भक्ति से रोना धोना सदा के लिए समाप्त हो जाता, वह भक्ति तो ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए संत से प्राप्त होती है। इसीलिए कहा मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। वह भक्ति जिस भक्ति से जन्म जन्म का रोना समाप्त हो जाता, वह सुखदायिनी भक्ति, अनुपम सुख की जड़ भक्ति, वह स्वतंत्र भक्ति संत की कृपा से प्राप्त होती है, संत की शरण में जाने से प्राप्त होती है, परम ज्ञानी महापुरुष की शरण में जाने से प्राप्त होती है। इसीलिए तो भगवान ने अर्जुन से कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्जुन किसी तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाओ, वहां जाने से सुखदायिनी भक्ति का उपदेश मिलेगा। और कहीं लग जाओ, किसी के पीछे पड़ जाओ। एक लड़का बहुत लड़के को नहर में कूद कूद करके स्नान करते हुए देखा, जोश आ गया, यह भी कूद गया, तैरने के लिए जानता था नहीं, डूबने लगा, चिल्लाने लगा। कुछ लोगों ने किसी भी तरह से उसे निकाल कर बाहर लाया, पूछा तू क्यों कूद गया, कहा सबको कूदते हुए देखा इसीलिए, तुम्हें तैरने के लिए आता था लेकिन कूद गया, तैरने के लिए तो आता नहीं था लेकिन कूदते हुए देखकर जोश आ गया। मूर्ख उन लोगों को तैरने के लिए आता इसीलिए कूद रहा था, तू क्यों देखा देखी कूद गया। ऐसे ही बहुत लोग हैं, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। यह अज्ञानमयी भक्ति सुखदायिनी नहीं होती है। संत के पीछे चलो, संत की शरण में जाओ, संत को अनुकूल बना लो, संत को प्रसन्न कर लो। भगवान का वचन बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिना संत का संग किए सुखदायिनी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। बिना संत को प्रसन्न किए अपना अनुकूल बनाए सुखदायिनी भक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति करते रहेंगे, कबीर साहब ने तो कह दिया, संत सम्राट हैं कबीर साहब, भक्ति सब कोई करे, अपनी अपनी जानकारी के मुताबिक भक्ति सब कर रहे हैं, भक्ति सब कोई करे, भरम ना टरे।
भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चीन है नहीं भ्रम खोजत फिरे, ज्ञान के नेत्र क्यों फोर डाली। ब्रह्म की पहचान ने इधर से उधर भटक रहे हैं, बिनु सत्संग न पावे ज्ञान, अनुपम सुख की जड़ तो मेरी भक्ति है, लेकिन लक्ष्मण बिनु सत्संग न पावे, बिना संत का संग किए भक्ति मिल नहीं सकती है। आज यमुना जी के तट पर भक्ति रुदन कर रही है, क्यों? धन का अभाव हो गया था, भक्ति को धन की जरूरत है। भक्ति का बेटा मर गया था, बेटे की जरूरत है भक्ति को। भक्ति का मकान टूट गया था, अब भक्ति से हीन जो ज्ञान वैराग्य है वो अभी सदैव जड़ ही बना रहता है, ये अभी समझ लीजिए। ज्ञान वैराग्य से हीन जो भक्ति है वह भक्ति रोती रहती है, उस भक्ति से दुख नहीं मिटता, वह भक्त सब दिन रोते रहता है। लेकिन लगे हाथ यह भी समझ लो, भक्ति से हीन जो ज्ञान वैराग्य है वह ज्ञान वैराग्य भी सब दिन जड़ ही बनाए रखता है आदमी को, आदमी में चैतन्यता नहीं आ सकती। ज्ञान तो बहुत जानता है, उपदेश में कोई कसर नहीं है, वैरागी का पाना भी बहुत तरह से पहन रखा है, लेकिन यदि जीवन में भक्ति का अभाव है तो भक्ति से हीन जो ज्ञान वैराग है वह आडंबर में परिवर्तित हो जाता है। ज्ञान में कोई कसर नहीं, समग्र शास्त्रों में निष्णात हैं और पैर में जूते नहीं लगाते, सिले हुए कपड़े नहीं पहनते, भस्म रमाते हैं। विरक्ति का कितना प्रदर्शन है जिसका ठिकाना नहीं। पंजाब प्रांत संतों के प्रति इतना प्रेम रखता है, इतनी श्रद्धा रखता है, जिसका ठिकाना नहीं। हम पंजाब जा करके थक गए, दसों साल से हम पंजाब जा रहे प्रचार करते, जहीं के तहीं पड़े हुए हैं, लेकिन उसी पंजाब में लंगोटी लगाकर दर्शन की पूजा। सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगतपति जाइए। एक महात्मा जी बड़े त्यागी थे, उनके त्याग वैराग को देखकर के एक सदग्रस्त ने भी वैरागी का भेष बनाया और चिमटे गाड़ कर धुना रमा दिया। बड़ा त्यागी, जो आए 10-20 रुपए चढ़ाए, चिमटे से उठाकर उसी के सामने रख दे, ले जा इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, जो चढ़ाए उन्हीं को पैसे लौटा दे। बड़ी ख्याति हुई, पैसे लेते ही नहीं, छूते ही नहीं, फेंक देते हैं। एक बड़ा भारी कंजूस सेठ था, उनके मन में हुआ आज तक तो मेरा नाम कंजूसी में ही है और अच्छा महात्मा पकड़ाया है, पैसे तो लेते नहीं, जो चढ़ाता है उसी को लौटा देता है, तो क्यों ना आज 2 लाख रुपए उनके चरणों पर रख दूं, दुनिया में मेरा नाम भी हो जाएगा और पैसा तो वापस आ ही जाएगा। 2 लाख रुपए जाकर चरणों में रखा, जैसे 2 लाख की गड्डी सामने पड़ी को उठाकर जेब में रखा और चल दिया। अरे महाराज, आपके लिए तो मैंने सुन रखा था कि आप कुछ लेते नहीं, आप लौटा देते हैं, आप तो जेब में रख लिया। इसी 2 लाख रुपए के लिए तो 10-20 रुपए को लौटा रहा था, इसी की प्रतीक्षा में तुम्हें वर्षों से इतना त्याग किया, अब तक टकराया ही नहीं था ऐसी गड्डी, अब क्या करना है, जा रहा हूं घर। ये वैराग का प्रदर्शन, 10 रुपए लौटा दिया, 20 रुपए चिमटे से धुना में डाल दिया, क्या ही प्रदर्शन है। ज्ञान वैराग्य का प्रदर्शन
मात्र से कल्याण नहीं होता। भक्ति से हीन जो ज्ञान वैराग्य है वह प्रदर्शन मात्र है, और ज्ञान वैराग्य से हीन जो भक्ति है उससे सुख नहीं मिलता है। दोनों बातें समझनी चाहिए। आज नारद जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जिस भक्ति से सुख की प्राप्ति होती है वह भक्ति खुद रो रही है। पूछा, देवी आप कौन हो? ये दोनों बच्चे जो अत्यंत वृद्ध के रूप में नजर आते हैं कौन है? चारों ओर से सुंदरिया जो पंखा झेल रही है, ये तुम्हारे कौन लगते हैं? वह नवयुक्ति कहते, मेरा नाम है भक्ति, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान मेरा। ये समग्र पवित्र नदियां हैं, ये दासी बन करके मेरी सेवा कर रही है। याद रखिएगा, ये प्रसंग बड़ा विचित्र है। भक्ति कहती है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं। इसे क्या जानने माता है? भक्ति से ही ज्ञान उत्पन्न होता, पुस्तक के पढ़ने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है भौतिक ज्ञान है, उसे भौतिकता में विकास होता है, आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता है। भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है, भक्ति करते करते तब ज्ञान उत्पन्न होता है। इस ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। ज्ञानान मोक्ष में वापनो तस्मात ज्ञानम परात्परम, ज्ञान से मुक्ति मिलती, इसीलिए ज्ञान सबसे बढ़कर है। भक्ति करते करते ज्ञान की उत्पत्ति होती है, भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है। पुस्तक से ज्ञान नहीं हुआ है आज तक किसी को, पुस्तक पढ़कर ज्ञानी तो बहुत लोग हो गए हैं, लेकिन कर्म देखे जाते हैं तो पता चलता है। काम क्रोध मद लोभ का जब लग घट में खान, कह मूर्ख कह पंडिता दोनों एक समान है। झूठ बोल ही रहे हैं, चोरी कर ही रहे हैं, छल कपट कर ही रहे हैं, शराब सिगरेट पी रहे हैं, सारे दुष्ट कर्म तो हो ही रहे हैं, यह कौन सा ज्ञान है? अपने हाथ से अपने भोजन में जहर मिलाकर कोई खाए उसको ज्ञानी कौन कहेगा? उसी तरह से अपने आप से ही दुख में कर्मों को कोई कर रहा है, सबको पता है कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है, यह ज्ञान की परिभाषा है। अपने आप से ही जिस कर्म से भविष्य में दुख होंगे उन कर्मों को किए जा रहे हैं, भोजन में जहर मिला रहे हैं। यथार्थ में पुस्तकों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो भक्ति करने से होता है। जिस ज्ञान से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, भगवत स्वरूप की प्राप्ति होती है, वह ज्ञान तो भक्ति से उत्पन्न होता है। इसीलिए ज्ञान को भक्ति का पुत्र बतलाया है। भक्ति करने से ज्ञान उत्पन्न होता है, और भक्ति करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। रामकृष्ण वचनामृत में मैंने पढ़ा, एक सज्जन छह महीने से संन्यास धारण की तैयारी कर रहा था। उनकी बहन जो थी वह अपने पति से कहती है, मेरे भाई तो छह महीने से संन्यास की तैयारी में लगे हुए हैं। छह महीने से तैयारी कर रहे हैं, हाँ सबका त्याग करने वाले हैं, कभी बाजार से कमंडल खरीद करके ले आते, कभी कड़ाऊ खरीद करके ले आते, कभी आसनी खरीद करके लाते, कभी भस्म ले आते, कभी चंदन ले आते, अब घर छोड़ने वाले हैं, त्याग करने वाले हैं। उनके पति ने कहा, तुम्हारा भाई कभी भी सन्यासी नहीं बनेगा, छह महीने से त्याग की तैयारी होती है, ऐसे सन्यास होता है। कहा, तब कैसे त्याग होता है?
देखना चाहती हो, रहोगे तो नहीं? नहीं नहीं दिखला, ये कैसे त्याग होता है? सब कुछ खोल करके फेंक दिया, गए तो गए रह गए, ऐसे त्याग होता है। एक नया बाण लगा हुआ महात्मा संत पलटू साहब के सामने से गुजर रहा था। संत पलटू साहब ने कहा, कहाँ जा रहे हो? घर छोड़कर जा रहा हूँ, स्त्री को भी छोड़कर जा रहा हूँ। अच्छा, छोड़कर जा रहे हो? उपदेश दिया, यार फकीर तू परा है किस ख्याल में, 5-25 संग 30 नारी, 5 तत्व 25 प्रकृति से बना हुआ तुम्हारा शरीर साथ में ही है, 5-25 संग 30 नारी, 30 के कारणे भीख है मांगता, एक ने क्या तक सिर पारी। दास पलटू कहे, खेल यह ना बदो, जब छुटे 30 तब छोड़ प्यारी। देह गेह की आसक्ति जब छूट जाएगी, हड्डी और मांस की जो मूर्ति है स्त्री, वह तो अपने आप छूट जाएगी। साथ में भी रहोगे तो कुछ भी होने को नहीं है, शुष्क काष्ठ में करंट नहीं लगता। उसी तरह से वासना की आर्द्रता भजन के द्वारा जब समाप्त हो जाती है, तब 1000 स्त्री भी चिपकी रहे उनकी देह में तो उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। भगवान श्री कृष्ण की देह में तो 16108 सुंदरियां चिपकी रहती थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण परीक्षित को जीवित करते समय कहा था, यदि मैं जीवन में झूठ नहीं बोला, युद्ध में पीठ नहीं दिखलाया और आवाल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हूं, तो इस प्रभाव से यह बालक जीवित हो जाए। बालक जीवित हो गया तो वासना की आर्द्रता मिट जानी चाहिए। त्याग का प्रदर्शन नहीं, भक्ति करने से ही वैराग्य होता है, आसक्ति छूटती। वैराग्य का अर्थ राग से रहित हो जाना, वैरागी को विरक्त भी कहते हैं। विरक्त, विरक्त का अर्थ यह नहीं कि जिनके शरीर में बहुत रक्त हो, विशेष रक्त विरक्त, जो रक्त से रहित है, अर्थात जिसमें अहंकार नहीं, अभिमान नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, पाखंड नहीं, विरक्त नहीं है, वही विरक्त है। भक्ति से हीन जो ज्ञान है, भक्ति से हीन जो वैराग्य है, वह किसी काम का नहीं, वह तो जीर्ण है, वह जड़ ज्ञान है, वह जड़ वैराग्य है। नारद जी ने कहा, ये तुम्हारे पुत्र हैं, इसी के लिए रो रही हो? हाँ, मैं नवयुक्ति और ये मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। अच्छा, तू अब तक नवयुक्ति हो, तुम्हारे पुत्र वृद्ध हो गए, यह बात समझ में नहीं आती। भक्ति कहती है, वृद्ध तो मैं भी हो गई थी, लेकिन यमुना जी के तट पर आने से, वृंदावन आने से मेरी जीर्णता समाप्त हो गई, मेरी वृद्धावस्था खत्म हो गई, मैं नवयुक्ति हो गई। आप याद रखिएगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य कोई व्यक्ति नहीं है, यह आध्यात्मिक प्रसंग है। भक्ति कहती है, वृंदावन आने से मेरी जीर्णता खत्म हो गई। नारद जी ने कहा, तू जीर्ण हो गई थी कहा, यह तो बतलाओ, तू प्रकट हुई कहाँ, कहाँ जाकर के जीर्ण हो गई? भक्ति कहती है,
मैं भगवत प्रेरणा से भक्तों को सुख देने के लिए, प्राणियों को सुख देने के लिए वैकुंठ से नीचे उतर कर आई। सबसे पहले द्रविड़ देश में मैं प्रकट हुई, द्रविड़ देश में भक्ति प्रकट हुई और द्रविड़ देश से आगे बढ़ी कर्नाटक पहुंच गए। वहां हमारी कुछ अवस्था बढ़ गई, वहां हमारी वृद्धि हुई। द्रविड़ देश में मैं प्रकट हुई और कर्नाटक में मैं कुछ बढ़ गई। उसके बाद महाराष्ट्र पहुंच गई, कर्नाटक से महाराष्ट्र आई, महाराष्ट्र में और वृद्धि हुई। लेकिन जब गुजरात मैं पहुंची तो वहां आते ही मैं जीर्ण हो गए, वृद्ध हो गए। चार प्रांतों का नाम लिया, द्रविड़ देश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र। चार प्रांतों में भक्ति भूमि, और भक्ति में देखिए क्या सब परिवर्तन हुआ। द्रविड़ देश में प्रकट हुआ। द्रविड़ कौन सा देश है? यह आध्यात्मिक प्रसंग चल रहा है। भक्ति कहाँ प्रकट होती है? द्रविड़ में। द्रविड़ कहते हैं हृदय को, श्रद्धा पूर्वक भगवत कथा अमृत का पान करने से भक्ति सबके हृदय में प्रकट होती है। सबके जैसे नदी की अविच्छिन्न धारा विषयों की तरफ से मुड़कर ईश्वर परमात्मा की तरफ बहने लग जाए, यही उल्टी धारा, यही अंतर्मुखी धारा का नाम है भक्ति। ईश्वर परमात्मा की भक्ति बाहर में नहीं प्रकट होती, सबके अंदर में भक्ति प्रकट होती है। मैं द्रविड़ देश में प्रकट हुई, हृदय में प्रकट हुई, अंदर में भक्ति प्रकट होती है। और कर्नाटक में मैं बढ़ी, भक्ति की वृद्धि कर्नाटक में। कर्नाटक क्या है? कान ही कर्नाटक है। साधु संत महापुरुषों के वचनों को हम कान के माध्यम से ही तो सुनते हैं। जितना इस कान से सत्संग वचन को सुनेंगे, भगवान की लीला कथा को सुनेंगे, उतनी भक्ति बढ़ेगी। खूब इस कान से भक्ति की बातें सुने। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तौ कर्म सुमनस्तौ पादयोर्नः। ये प्रभु मेरी वाणी कुछ बोलना चाहे तो आपका गुणगान करे, मेरा कान को सुनना चाहे तो आपकी लीला कथा को सुने। पृथु भगवान के चरित्र को जब आप भागवत में सुनेंगे, पृथु भगवान ने भगवान से कहा था कि प्रभु आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा 3.5 हाथ के शरीर में 10,000 कान हो जाएंगे तो देखने में कैसे लगेंगे। हाँ महाराज, मैं यह नहीं चाहता कि सर्वांग में कान ही कान हो जाए। दो कानों में सुनने की जितनी ताकत है वह ताकत 10,000 गुना अधिक बढ़ जाए। कान की ताकत इतना क्यों बढ़ाना चाहते हो? महाराज पृथु ने कहा मैं राजा हूँ, समग्र प्रजाओं का पालन करना पड़ता है, जहां तहां प्रजाओं को देखने के लिए जाना पड़ता है, बहुत काम है हमारे जीवन में, बहुत व्यस्तता है। लेकिन हे प्रभु, भगवत कथा अमृत से रहित जो जीवन है वह नीरस जीवन है। मैं अपने जीवन को नीरस नहीं बनाना चाहता हूँ, आपकी कथा रूपी अमृत के द्वारा अपने जीवन को संचित करना चाहता हूँ, रसमय बनाना चाहता हूँ। मेरे कान की शक्ति इतनी बढ़ जाए कि मैं कहीं भी समाज की सेवा में लगा रहूं, लेकिन वहीं से आपकी वह अमृतमयी
कथा प्राप्त होती रहे, उस कथा का श्रवण में करता रहूं, कथा कभी छूटे नहीं, सत्संग वचन कभी छूटे नहीं, इतनी शक्ति बढ़ जाए। ऐसे ऐसे महापुरुष धरती पर हुए जो भगवान की कथा के लिए 10,000 कान की याचना भगवान से की। हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ी हुई है जो हम 2 कान से भी भगवान की कथा सुनने को तैयार नहीं। हमारा जीवन कितना निरस हो चुका है, कथा का प्रेम ही खत्म। जल्दी जो महाराज आरती करे जो भागो, कथा का प्रेम बढ़ नहीं रहा। 2 कान से भी घंटे 2 घंटे की कथा भारी पड़ रही है। इस कान के माध्यम से कथा सुनते सुनते भक्ति की वृद्धि होती है, भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होती है। ऐसे बैठ जाओ भजन करने के लिए, कभी मन भजन में लगने को नहीं, मर जाएंगे भजन करते करते, कभी भजन बनेगा ही नहीं। उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मेरे शरीर छूटने से पहले ही तो चला जाना भद्रिकाश्रम, क्या करूंगा वहां जाकर, मेरा ध्यान करना। लेकिन सुन लो, ध्यान ऐसे नहीं बनता, ध्यान में एकाग्रता ऐसे नहीं आ जाती, तब कैसे आएगी। वहां साधु संत महापुरुष निवास करते हैं, उनकी शरण में जाकर मेरी कथा को सुनना। महाराज आपकी कथा सुनने से क्या होगा, का मत कथा श्रवणे श्रद्धा, मेरी कथा सुनते रहोगे तो मेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, जब मेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी तभी ध्यान में मन लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनको आप पाना चाहते हैं, उनके प्रति जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो कैसे पाएंगे, उनका दर्शन कैसे होगा। श्रद्धा उत्पन्न होती है कथा सुनने से, मत कथा श्रवणे श्रद्धा, मेरी कथा में श्रद्धा रखना, तब मदनुध्यान उद्धव, तब मेरा ध्यान करना, तो ध्यान में मन लगेगा। जिनको पाना चाहते, जिनको देखना चाहते हो, उनके विषय में पहले खूब अच्छी तरह से जानो, तब प्रेम उत्पन्न होगा, तब श्रद्धा उत्पन्न होगी, विश्वास उत्पन्न होगा, तब भजन में मन लगता है, ऐसे नहीं। उद्धव जी ने कहा 1-2 दिन जाकर के सुन लूंगा तो काम बन जाएगा, कहा नहीं, सदा से ब्या श्रीमद भागवती कथा निरंतर सेवन करते रहना, निरंतर सेवन करते रहना। कब तक सुनता रहूं भगवान आपकी कथा में, कब तक सुनता रहूं। समय तो बतला दो, 2 घंटे सुनो कि 4 घंटे सुनो, 7 दिन सुनो कि 14 दिन सुनो। भगवान ने कहा मत कथा श्रवणादो वायाव श्रद्धा न जायते, मेरी कथा तब तक सुनते रहो जब तक मेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, तब तक सुनते रहो, कभी छोड़ना नहीं। भजन करने से भजन नहीं बन जाता, जिनको आप भज रहे हैं उनके प्रति जब अपार श्रद्धा उत्पन्न होगी तब भजन बनेगा। कान के माध्यम से भगवत कथा अमृत का पान करने से भक्ति में वृद्धि होती है, खूब भजन में मन लगेगा, खूब सुने। यहाँ पर ध्यान शिविर चल रहा है लेकिन साथ साथ सत्संग का भी कार्यक्रम है। सत्संग कार्यक्रम इसीलिए रखा गया है कि ध्यान में वृद्धि हो, ध्यान में मन लगे, ये समय पास के लिए नहीं है। ध्यान में मन लगे, ध्यान में अनुराग बढ़े, जिनको हम पाना चाहते हैं उनकी जानकारी होगी तब ध्यान में मन लगेगा, ऐसे नहीं मन लग जाता। कर्नाटक में मैं पढ़ी, अर्थात कान के द्वारा संत वचन सुनने से भक्ति की वृद्धि होती है। उसके बाद भक्ति कहती है, महाराष्ट्र में जाकर के हमारी और वृद्धि हुई। महाराष्ट्र कहते आंख को, एक एक प्रांत को शरीर का एक एक अंग समझ लीजिए, हृदय है द्रविड़ देश,
कौन है? कर्नाटक प्रदेश, आख है महाराष्ट्र। कथा सुनते समय जहां से कथा की धारा निकल रही है वहां आंख को लगाए रखे, दृष्टि लगाए रखे और आनंद पड़ेगा। जहां से धारा निकल रही है उस धारा की तरफ देखते रहे और उस धारा में कान को लगाए रखे, कान शब्द में रहे और शब्द के उद्गम स्थान पर हमारी आंख रहे। इस तरह से कथा का श्रवण होता है और कथा सुनते सुनते दोनों आंखों से आंसू की धारा यदि बहने लग जाए फिर क्या कहना, फिर तो आनंद ही आ जाएगा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। कान से सुन रहे हैं, दोनों आंखों से आंसू की धारा बह रही, इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना विरह वैराग्य ईश्वर परमात्मा के प्रति बढ़ जाए तो एक ही दिन में व्यक्ति का आरंभ हो जाएगा, दूसरा दिन नहीं लगेगा। महाराष्ट्र अर्थात अश्रु की धारा बहाते हुए जहां से कथा रूपी अमृत की धारा प्रकट होती है, हो रही है, उन संत के मुखारविंद की तरफ देखते हुए आंसू की धारा बहाते हुए कान से भगवान की कथा को सुनेगा, आनंदमय जीवन हो जाएगा। गुजरात में आकर के मैं वृद्ध हो गई। गुजरात क्या है? आलस्य, रात गुजर गई है सही, रैन गवाया सोई कर, दिवस गवाया खाए, हीरा ऐसा जन्म था कौड़ी बदले जाए। आलस्य में अच्छा अभी तो 14 अप्रैल तक कथा यहाँ चलेगी, जाकर किसी दिन सुन लेंगे, अभी तो बहुत दिन पड़े हुए, अभी तो जीवन के बहुत भाग अवशिष्ट हैं, अभी तो हमारी उम्र 20 साल की ही हुई है, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, नौकरी से रिटायर हो जाएंगे फिर भजन में लगेंगे, 60 साल के बाद तो यहाँ की सरकार भी रिटायर कर देती है, ऊपर की सरकार कैसे ज्वाइनिंग लेटर भेजेगी। रिटायर जब हो जाएंगे तब भजन करेंगे, क्योंकि भजन करना बहुत सस्ता काम है। सस्ता इसीलिए है कि भजन करने का अब तक ज्ञान ही नहीं हुआ है। भजन का अर्थ यही समझा कि धागे को पेड़ों में 20 बार लपेट दो, पत्थर में थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ी सी टिकली साट दो, बस हो गया भजन। इससे बढ़कर क्या, कहीं गए फूल अच्छा थोड़ा सा अर्पण कर दिया, भजन हो गया। ज्ञान में भजन तो है नहीं, इसीलिए भजन को सस्ता समझता है। तुलसीदास जी ने तो कहा, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानई सो यही बनी आई, जिसे भजन बना है, जिन्होंने भक्ति को प्राप्त किया है उसे पता है कि यह काम कितना कठिन है। 6 महीने के अंदर ही ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ। बहुत सारे जंगल में रहने वाले महात्माओं ने भगवान से शिकायत की, महाराज भरे हुए को अब भगवान भी भरने लग गए, यह चक्रवर्ती सम्राट उत्तानपाद का बेटा है, इसीलिए आपने 6 महीने के अंदर इसे दर्शन दिया, यह छत्री का बेटा है इसीलिए आपने इसे दर्शन दिया। हम लोग साधारण कुल के महात्मा हैं, साधारण घर के महात्मा, इसीलिए हजारों वर्ष से जंगल में घिस रहे हैं, अब तक दर्शन नहीं हुआ। आप भी थोड़ा सा भेद दृष्टि रखने लग गए, इसीलिए इनको आपने जल्दी दर्शन दिया। भगवान ने कहा, यह तो बड़ी आफत खड़ी हो गई। ऋषि मुनियों को अपने साथ लिया, कहा चलो ऋषियों मेरे साथ, मैं दिखलाता हूँ कि ये ध्रुव कितने जन्मों से मेरा भजन करते आ रहा है। लेकर एक पहाड़ दिखलाया भगवान ने, देखो इस पहाड़ को,
कृष्ण का देख रहा हूँ, इस पहाड़ के अंदर क्या है बतलाओ, का मुझे तो पता नहीं। भगवान अपने चरणों से ठोकर मारा, एक चट्टान उखड़ आया, चट्टान के अंदर उन्होंने देखा, पहाड़ के अंदर उन्होंने देखा, हड्डियां ही हड्डियां पड़ी हुई है। अरे ऋषियो, इस हड्डी को पहले तूने कभी देखा था? यह किसकी हड्डी है? गाय की हड्डी है कि भैंस की हड्डी है? किसकी हड्डी? महाराज मुझे तो पता नहीं। इस जंगल में इतनी बार इन्होंने मेरा भजन किया है, इतनी बार इन्होंने शरीर का त्याग किया है, शरीर को धारण किया है, हड्डी का पहाड़ बन गया है, तब इस जन्म में 6 महीने के अंदर मेरा दर्शन हुआ है। चलो आगे और दिखलाता हूँ। एक सरोवर दिखलाया, थोड़ा सा जल ऋषियों के हाथ में दिया, का बताइए जल का स्वाद कैसा है? हमारा बड़ा नमकीन मालूम पड़ता है। कहे जल नमकीन कैसे हो गया? नमक तो कोई डाला नहीं है। हमारा फिर नमकीन कैसे है? कहा मेरे दर्शन के लिए ध्रुव इतना रोया है, इतना रोया है कि आंसू का सरोवर बन गया है, तब 6 महीने के अंदर मेरा दर्शन हुआ है। ऐसे नहीं दर्शन हो जाता। गुरु नानक देव जी महाराज के शब्दों में भरी सागर भक्ति करी जाए, लोटे भर भक्ति से गिलास भर भक्ति से काम नहीं बनेगा, भरी सागर भक्ति करी जाए, समुद्र में जितना जल है उतनी भक्ति करनी है। रघुपति भक्ति करते कुछ नाई, सहज नहीं है। आलस्य में लोग दिन को डालते जा रहे हैं, आछे दिन पाछे गया, हरि से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। दिन को टालते जा रहे, अब कर लेंगे, अब कर लेंगे। आलसी के अंदर जाकर की भक्ति जीर्ण हो जाती है। गुजरात में आकर भक्ति कहती है मैं जीर्ण हो गई, मैं वृद्ध हो गई। अर्थात आलसी व्यक्ति के अंदर, दीर्घ सूत्री व्यक्ति के अंदर, प्रमादी व्यक्ति के अंदर, जो दिन प्रतिदिन अपने मानव जीवन को ऐसे ही व्यर्थ गमा रहा है, ऐसे व्यक्ति के अंदर जाकर के भक्ति जीर्ण हो जाती है। महाराज जब मैं वृंदावन आई, यहाँ आने से मेरी जीर्णता खत्म हो गई। नारद जी ने कहा यहाँ जीर्णता कैसे खत्म हुई? महाराज यहाँ दिन रात सत्संग होते रहते हैं, भगवान की कथा होती रहती है, वृंदावन में भगवान की कथा नित्य निरंतर होती है, यहाँ आते ही मेरी वृद्धावस्था खत्म हो गई। भगवान की कथा यहाँ दिन रात होती रहती है, भगवान का गुणगान यहाँ होते रहता है, इसलिए यहाँ आते ही जीर्णता खत्म हो गई। नारद जी ने भगवान से पूछा था प्रभु आप कहाँ रहते हो? भगवान ने कहा ना हम बसामि वैकुंठ, वैकुंठ में मैं निवास करता हूँ। वैकुंठ जाने की तैयारी में सब लोग हैं, कुंभ में जितने लोग आए हैं सबकी इच्छा यही है वैकुंठ जाने की, लेकिन भगवान कहते ना हम बसामि वैकुंठ, वैकुंठ में मैं नहीं रहता। योगी नाम हृदय न योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता। बड़ा योग का द्वंद मचा हुआ है अभी दुनिया में, कहते योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता। महाराज भी रहते हो कहाँ? कहाँ मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद मेरा भक्त जहाँ मेरा गुणगान करता है वहीं मैं निवास करता हूँ। यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं? ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं। यहाँ इतनी शांति क्यों है? इसलिए कि हम आप परमात्मा के साथ में बैठे हुए हैं। परमात्मा शांति के स्वरूप है, आनंद के स्वरूप है, सुख के स्वरूप है। रोटी से आज तक इतनी शांति नहीं मिली होगी, महल से इतनी शांति नहीं मिली होगी, लड़के बच्चे से इतना आनंद नहीं मिला होगा जितना आनंद की भगवान की कथा सुनने से मिल रहा है।
यहाँ भगवान का निवास है, इसीलिए इतनी शांति है, इतना आनंद है, इतना सुख है, यहाँ भगवान का निवास है, कहीं जाने से ऐसा सुख मिलेगा। भगवान कहते मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान करता है, जहाँ संत मेरो गुण गावे तहाँ करो मैं वासा। संत महापुरुष जहाँ मेरा गुणगान करता है हे नारद मैं वहीं पर निवास करता हूँ। 68 तीर्थ संत के चरणन कोटि गया काशी, सारे तीर्थ हे उद्धव वहीं निवास करते हैं, हे नारद वहीं निवास करते हैं जहाँ संत का चरण पर जाता है। भगवान का यहाँ निवास है, इसीलिए आप लोगों को इतना आनंद मिल रहा है। तो जहाँ भगवान की लीला कथा होती है उसी स्थान को वृंदावन कहते हैं। वृंदावन कोई स्थान विशेष नहीं, यदि स्थान विशेष वृंदावन होता, आज स्थान विशेष पर एक वृंदावन तीर्थ है भी, गलियों में सुअर घूम रहे हैं, आप जाकर के देखिए, इतनी गंदगियां इतनी बदबू, हम तो बहुत दिनों तक वृंदावन में रहे। दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं पवित्रता के मुकाबले में हरिद्वार से बढ़कर एक भी नहीं, आप सारे तीर्थों में घूम करके देखिए, पवित्रता के मुकाबले में हरिद्वार से बढ़कर कोई नहीं। वृंदावन जाकर गलियों गलियों में सुअर घूम रहे हैं, सुअर के विष्ठा पड़ा हुआ है, और वहां जाने पर पता चलेगा क्या सब होता है वहां पर। भगवान का वचन है, मद भक्ता जित्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ मेरा गुणगान होता है, साधु संत महापुरुष जहाँ मेरा गुणगान करते हैं, जहाँ सत्संग होता है, भगवान की कथा होती है, वही स्थान वृंदावन है। अन्य स्थान पर तो कथा होती है तो भक्ति चैतन्य हो जाती, ध्यानाभ्यास नहीं सलसा चलता है, केवल सुनने मात्र से ही ज्ञान वैराग्य चैतन्य नहीं होता। सत्संग के समय सत्संग वचन को सुने, ध्यानाभ्यास के समय ध्यान करें, ध्यान करने से ज्ञान वैराग्य चैतन्य हो जाएंगे। यहाँ पर भक्ति चैतन्य और ध्यान करने से ज्ञान वैराग्य चैतन्य होता है, दोनों व्यवस्था है। यहाँ पर ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों की जीर्णता खत्म हो जाएगी, ज्ञान भी जागृत होगा, वैराग्य भी जागृत होगा, भक्ति भी चैतन्य होगी। सत्संग के समय भक्ति चैतन्य ज्ञान प्राप्त हो, हमारा जीवन वैराग्यमय हो, इसीलिए कथा सुननी है। ऐसे सुन करके चले गए सो नहीं, ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति के लिए कथा सुननी है, तब उस कथा से ज्ञान वैराग्य चैतन्य होते हैं। तो बस सुन करके चले गए सो नहीं, वृंदावन में भक्ति तो चैतन्य हो गई लेकिन ज्ञान वैराग्य चैतन्य नहीं हुआ, इसका कारण यही। आज दुनिया के लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन कथा के अनुकूल आचरण नहीं करते, जो सुनते हैं तद अनुकूल आचरण नहीं करते। कथा केवल श्रवण का विषय नहीं, यह तो आचरण का विषय है। श्रवण के साथ साथ जब आचरण भी होता है तब ज्ञान वैराग्य चैतन्य होता है। केवल श्रवण से भक्ति तो चैतन्य होगी लेकिन ज्ञान वैराग्य के चैतन्य नहीं होने से वह भक्ति रोती रहेगी। ज्ञान वैराग्य को भी चैतन्य करना, ज्ञान वैराग्य चैतन्य होगा तो भक्ति रोती रहेगी। महाराज कोई उपाय करो जिनसे ज्ञान वैराग्य हमारे अंदर के चैतन्य हो जाए। नारद जी ने कहा कि देवी आप निराश मत हो, आप चिंता मत करो, खेद मत करो, क्या कराल कलिकाल चल रहा है, आडंबर पाखंड का बाहुल्य हो गया है, चिंता मत करो। यदि मैं
ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हूं, तुम्हारे पुत्रों को चैतन्य किए बिना मैं छोड़ूंगा नहीं, चैतन्य करके ही रहूंगा, चिंता मत करो। देवी तुम जिसके हृदय में प्रविष्ट हो जाती हो उनके दुख क्लेश सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, तू क्यों चिंता करती हो? भक्तों के भरण पोषण के लिए भगवान ने तुम्हें उत्पन्न किया है, तू चिंता मत कर, मैं उपाय करता हूँ जिससे ज्ञान वैराग्य चैतन्य हो जाए। नारद जी देखिए ज्ञान वैराग्य को चैतन्य करने के लिए उपाय करने लगे। उपाय क्या है? कान के पास जाकर गीता पाठ सुनाने लगे, 17 पुराण सुना दिए, वेद मंत्र सुना दिए, गायत्री मंत्र सुना दिए, बहुत कुछ सुनाया। सुन सुन करके थोड़ा सा आंख को खोलता था और फिर आंखों को बंद कर लेता था। सब कुछ सुनाने के बाद भी भक्ति के दोनों पुत्र चैतन्य नहीं हुए, मूर्छित ही रहे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अब क्या सुनाऊं? इस प्रसंग को सुनने से आपको क्या ज्ञान प्राप्त होता है, क्या मिला? हर एक प्रसंग को आप ज्ञानमय दृष्टि से देखें, ज्ञान रूपी नेत्र से देखें और ज्ञानमय कान से सुने, तब पता चलेगा। सब कुछ सुना दिया, गीता सुना दिया, रामायण सुना दिया, सब कुछ सुना दिया और फिर भी ज्ञान वैराग्य चैतन्य नहीं हुआ, कारण क्या रहा? केवल गीता के पाठ सुनने से ज्ञान नहीं हो जाएगा, पुराणों को सुनने से ज्ञान नहीं हो जाएगा, केवल सुनने मात्र से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान के चार अंग महापुरुषों ने बतलाया। श्रवण ज्ञान होता है, मनन ज्ञान होता है, निधिध्यासन ज्ञान होता है, तब अनुभव ज्ञान होता है। अनुभव ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान होगा अंत में जाकर। सुने, उनके ऊपर विचार करें, अमल करें और अमल करके जिनके विषय में सुन रहे हैं उनको प्रत्यक्ष कर लें। प्रत्यक्षता में ज्ञान की परिपूर्णता है, केवल सुन करके नहीं रह जाए। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, श्रवण ज्ञान जो है वह अग्नि के समान है, मनन ज्ञान बिजली के समान है, निधिध्यासन ज्ञान बड़वा नल के समान है और अनुभव ज्ञान महाप्रलय काल की अग्नि के समान है। थोड़ी सी बारिश होती है और अग्नि बुझ जाती है। यह श्रवण ज्ञान कैसा है? अग्नि के समान है। यह कथा सुन लिए, सुनने में आनंद आया, दूसरी जगह जाकर के और कुछ सुन लिए, उस मायामय शब्दों को सुनते ही यहाँ के सब कुछ सुने हुए भूल गए। सुना हुआ ज्ञान ऐसा ही रहता है, यहाँ सुना तो आनंद आ गया, घर जाने के बाद बहुत कुछ सुन लिया तो यह सुना हुआ चौपट हो गया। अग्नि के समान मायामय जल के बरसते ही श्रवण ज्ञान खत्म, मनन ज्ञान बिजली के समान। सुने हुए ज्ञान के ऊपर जब विचार किया जाता है तब वह बिजली के समान हो जाता है। लेकिन बिजली पानी में बुझती तो नहीं, लेकिन स्थिर नहीं रहती। आकाश में बिजली चमकती है, वह स्थिर नहीं। बिजली सदैव चंचल रहती है, स्थिर नहीं। इसी तरह से केवल मनन किया हुआ जो ज्ञान होता है वह स्थिर नहीं होता, बिजली के समान चंचल। यहाँ सुना तो कुछ और मन में हो गया, दूसरी जगह सुना तो कुछ और निर्णय ले लिया, तीसरी जगह सुना तो कुछ और मन में हो गया। अब निर्णय नहीं होता कि उस महात्मा ने जो कहा वह ठीक है, कि यहाँ जो सुना वह ठीक है, वहाँ सुना जो वह ठीक है, क्या ठीक है क्या गलत है, कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है।
जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ज्ञान स्थिर नहीं होगा। यहाँ सुना, वहां सुना, वहां सुना, सुनते रहा, बिजली के समान वह ज्ञान चंचल रहता है। जल से बिजली खत्म तो नहीं होती, लेकिन बिजली में चंचलता, मन में ज्ञान स्थिर नहीं होता, चंचल होता है। निधिध्यासन ज्ञान, निधिध्यासन कहते अमल करने, अमल किया, अभ्यास किया, जो सुना उसके ऊपर विचार किया, क्या कहा है महापुरुषों ने, विचार करके अब आचरण में उतारने का प्रयास किया। रोटी खाने से भूख मिट जाती है, सुन लिया या श्रवण ज्ञान हुआ, अब रोटी ऐसे ही तो मुंह में नहीं चली जाएगी, कुछ करना भी तो पड़ेगा रोटी के लिए। उद्योग करना, रोटी को पाने के लिए जो परिश्रम करना है, यही मनन ज्ञान है। जब रोटी खाने लग गए तब वह निधिध्यासन ज्ञान कहलाता है। जैसे जैसे खाते जाएंगे वैसे वैसे भूख मिटती जाएगी, विश्वास बढ़ता जाएगा कि हाँ रोटी खाने से जरूर पेट भरता है। जब पूरा पेट भर गया तब अनुभव हो गया कि हाँ रोटी खाने से सही में पेट भर जाता है, यह पूर्ण ज्ञान है। निधिध्यासन ज्ञान या बड़वानल के समान, बड़वानल समुद्र में रहता है, समुद्र के जल को मर्यादित करके रखता है। यदि समुद्र में बड़वानल नहीं रहे तो एक ही दिन में समुद्र संपूर्ण भूमंडल को जलमग्न कर देगा। कितना भी जल नदियों का समुद्र में प्रविष्ट हो जाए लेकिन वह जल बढ़ नहीं सकता है, आवश्यकता से अधिक जल का बड़वानल शोषण करते रहता है, जल को मर्यादित करके रखता है। लेकिन बड़वानल में ताकत नहीं कि हम समुद्र का शोषण कर ले। माया की वृद्धि तो निधिध्यासन ज्ञान होने नहीं देता, लेकिन पूर्ण रूपेण माया को नष्ट नहीं कर पाता। अनुभव ज्ञान, अनु का अर्थ होता है पीछे, भाव का अर्थ होता है उत्पन्न, जो ज्ञान तीनों ज्ञानों के पश्चात उत्पन्न होता है उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष करके देख लिया, हाँ यह है। हरिद्वार के विषय में बहुत दिनों से सुनता रहा, श्रवण ज्ञान, विचार बना लिया कि हरिद्वार आना है, मनन ज्ञान, ट्रेन पकड़ लिया, ट्रेन चल रही है, या निधिध्यासन ज्ञान, हरिद्वार पहुंच करके हरिद्वार को देख लिया, या अनुभव ज्ञान, या पूर्ण ज्ञान है, देख लिया, प्रत्यक्ष कर लिया। प्रत्यक्ष ज्ञान महाप्रलय काल की अग्नि के समान है, समस्त द्वैत प्रपंच को मिटाकर भस्मीभूत कर देता है महाप्रलय काल की अग्नि। हम कथा सुने लेकिन किस उद्देश्य से, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, वैराग्य की प्राप्ति हो। ज्ञान वैराग्य से हीन भक्ति सुखदायिनी नहीं हो सकती, भक्ति से हीन ज्ञान वैराग्य जो है वह सुखदायक नहीं हो सकता। दोनों की आवश्यकता है। नारद जी ने बहुत कुछ सुनाया लेकिन ज्ञान वैराग्य चैतन्य नहीं हुआ, अब क्या करूं। नारद जी ने कहा कि देवी तुम यहीं पर रहो, मैं कोई व्यवस्था करता हूं। नारद जी चले गए बद्रिकाश्रम, बड़े उदास हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से जाकर के पूछा, महाराज मैंने ज्ञान वैराग्य को चैतन्य करने के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन ज्ञान वैराग्य चैतन्य हुआ, गीता सुनाया, पुराणों की कथा सुनाई, बहुत कुछ सुनाया, अब मैं क्या करूं महाराज। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने कहा, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आपके द्वारा जब ज्ञान वैराग्य चैतन्य हुआ तो हम किस खेत की मूली है महाराज, कोई और उपाय करो। नारद जी ने सोचा कि मैं तप करूंगा, तप के बल से ज्ञान वैराग्य को चैतन्य करूंगा। उसी समय आकाश मंडल से चमचमाते हुए चार ऋषि नारद जी के सामने प्रकट हुए। उन चारों ऋषियों का नाम था सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। महाराज बड़े उदास मालूम पड़ते हो, क्या हो गया, क्या लूट गया है आपका, सारी घटना सुना दी। आप चिंता नहीं करो, सब कुछ तो सुनाया लेकिन एक चीज आपने नहीं सुनाया, तो वह क्या, आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनाई। कहा
महाराज भागवत की कथा सुनाने से वह चेतन हो जाएगा, का अवश्य चेतन हो जाएगा। भागवत में किसकी कथा है? सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि चेतन पुरुष परमात्मा की कथा है। और जिन्होंने चैतन्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया उस संत की कथा है। संत और भगवंत की कथा भागवत में है। संत भगवंत जो होते हैं वह चैतन्यमयी मूर्ति होते हैं। चैतन्य चैतन्य परमात्मा है। उस चैतन्य चैतन्य परमात्मा को प्राप्त किए हुए जो संत हैं वे भी चेतन पुरुष हैं। चेतन पुरुष की कथा सुनाओ तब उसकी जड़ता खत्म होगी, तब उसमें चैतन्यता आएगी। संत भगवंत के चरित्र भागवत में है। भागवत की कथा सुनाओ महाराज। मैंने तो आज तक भागवत की कथा सुनाई नहीं, मुझे तो पता नहीं भागवत की कथा कैसे सुनाई जाती है। तनकादि ऋषि ने कहा आपको पता नहीं, मुझे पता है, आप आयोजन करो और मैं भागवत की कथा सुनाऊंगा। नारद जी बड़े खुश हो गए, साक्षात सनकादि मुनि भागवत की कथा सुनाने को तैयार हो गए। महाराज कथा तो आप सुनाएंगे लेकिन दक्षिणा कितनी लेंगे? आज तो बिना दक्षिणा की भागवत की कथा हो नहीं सकती है। 21,051,000, 1,00,000, 7,00,000, 10,00,000, 51,00,000, आज तो लाख पर कथा होती है महाराज। हम तो फकीर आदमी भागवत की कथा कैसे आयोजित करेंगे? महाराज कितनी दक्षिणा आप लेंगे? सनकादि ऋषि ने कहा दक्षिणा लेने वाली कथा से ज्ञान वैराग्य चेतन नहीं होगा। विरक्त के मुखारविंद से जब कथा होगी उस कथा से ज्ञान वैराग्य व्यथा मिटेगी। ये दक्षिणा वाली कथा तो ऐसे हवा में बह जाती है। जहाँ लोभ समाया हुआ, जहाँ लालच समाया हुआ है, जहाँ विकार समाया हुआ है, वहां इस कथा का चमत्कार नहीं हो सकता। आप सुनेंगे कि परमहंस के मुखारविंद से निसर्ग कथा का क्या चमत्कार हुआ है। सनकादि ऋषि ने भगवान को प्रकट कर लिया उस सभा में। ज्ञान वैराग्य भक्ति ये तीनों नाचने लग गए सनकादि ऋषि के सामने। संत के मुंह से जो कथा निःसृत होती है उस कथा में इतनी ताकत होती है कि भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान वैराग भक्ति नाचने लग जाते हैं उस सभा में। महाराज दक्षिणा की कोई बात नहीं, कथा का आयोजन करो। महाराज तारीख बतलाओ, मुहूर्त बतलाओ, किस मुहूर्त में भगवान की कथा आरंभ हो। सनकादि ऋषि ने कहा भगवान की कथा के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, जब शुरू हो जाए तभी समझ लेना कि अच्छा मुहूर्त है। और कामों के लिए, गृह प्रवेश के लिए और कामों के लिए मुहूर्त दिखला लेना जाकर के पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं। वही अच्छा मुहूर्त है, वही शुभ घड़ी है जिस घड़ी में यह आयोजन आयोजित हो जाए। मेरे से किसी ने कहा महाराज भागवत की कथा तो 7 दिनों की होती है, आपने तो 45 दिनों का रखा है। मैंने कहा 45 दिनों का रखा तो कोई पाप हो गए क्या? भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा सदा से व्या श्रीमद भागवत की कथा। ये तो कलयुग के लोगों के लिए कि इनको टाइम ही नहीं है, चलो 7 दिन ही रखो। महात्मा के पास तो और टाइम 2400 घंटे, इसी के लिए महात्माओं का जीवन है। जन्म से मरण पर्यंत इसीलिए महात्मा का जीवन है। ये तो 45 दिन का ही रखा गया है, 7 दिन के लिए कथा। दिन तो 7 ही होते हैं,
45 दिनों में क्या 45 दिन हो जाएंगे? दिन तो 45 हो गए, लेकिन वही रविवार, वही सोमवार, वही मंगल, वही बुध, वही गुरु, वही शुक्र, वही शनि, वही रवि, दिन तो कहने के लिए 45 हो गए, लेकिन गणना के दिन तो सात ही है। ये सप्ताह भागवती है, सप्ताह कथा ही है, सुनते जाओगे। सात दिन ही मन में बिठा करके रखोगे, जीवन के दिन सात ही हैं। सब आदमी सात दिन ही जीते हैं, सात दिन के अंदर ही तो सब मरते हैं। सातों दिन कभी कथा को छोड़ना नहीं, दिन सात ही होते हैं, सात दिन के अंदर ही जाना है। जब तक यहाँ से चले ना जाए तब तक कथा सुनते रहे। सदा से श्रीमद्भागवत की कथा सुनते रहे, कथा को मुहूर्त कोई नहीं, जब कथा आरंभ हो जाए वही अच्छा मुहूर्त है, उसी मुहूर्त में भगवान की कथा होगी। उसके बाद नारद जी ने कहा, महाराज जगह कौन सी होनी चाहिए, कोई जगह तो बतलाओ। कनकादि ऋषि ने कहा, जिस जगह पर कथा आरंभ हो जाए वही सबसे अच्छी जगह है, जगह की भी कोई बात नहीं, जो जगह कथा के लिए सुनिश्चित हो जाए वही अच्छी जगह है। इस धरती का सौभाग्य है जहाँ कथा हो रही है, मुझे तो दो दो जगह मिली मेला क्षेत्र में, लेकिन यह कथा वहां आयोजित नहीं, बोर्ड लगे ही रह गया, जगह मिली है मेला क्षेत्र में, बोर्ड लगा दिया गया है, प्रमाण पत्र बन गया कि हाँ जगह मिली है वहां, लेकिन इस जगह ने बड़ी तपस्या की थी इसीलिए कथा यहाँ हो रही है। तपी हुई है भूमि है, बहुत जन्मों से इस भूमि ने तप किया था, इसीलिए कहाँ होने वाली थी कथा, कहाँ कथा हो रही है, बड़ी विचित्र भूमि, जहाँ कथा आयोजित हो जाए वही जगह धन्य है। महाराज मेरी तो कोई जगह ही नहीं है। नारद जी ने कहा, मैं साधु संत महात्मा, मेरी तो कोई जगह ही नहीं है, मैं कहाँ जाकर के कथा आरंभ करूं। कनकादि ऋषि ने कहा, जिनके लिए कहीं जगह नहीं उनको हरिद्वार में जगह मिलेगी, हरिद्वार में कथा का आयोजन होगा। महाराज हरिद्वार की जगह तो आज दिल्ली से भी महंगी है, कैसे कथा होगी? ये जगह की बात करें करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं होती है, हरिद्वार की जगह तो और महंगी है। महाराज हरिद्वार की जगह मांगी है, लेकिन गंगा के किनारे की भूमि तो मांगी नहीं है, वह तो फॉरेस्ट विभाग का है, नदी सिंचाई विभाग की जगह है, वो सरकारी जमीन में कथा करो। बहुत महात्माओं ने घेर लिया नदी के किनारे को, वहां कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, माँ गंगा के तट पर कथा, आनंद नामक घाट पर हम कथा करेंगे, माँ गंगा के पावन तट पर, माता की गोद में बैठने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, माँ गंगा के तट पर कथा होगी, वहाँ पैसे की कोई बात नहीं। और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है जहाँ आज हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ की जगह को आनंद वन कहते हैं। इसी आनंद वन में सनकादि ऋषि ने नारद जी को भागवत की कथा सुनाई थी, यही आनंद नामक घाट है, इसको आनंद वन सप्त सरोवर कहते हैं। सात ऋषि यहीं पर जंगल में तप किए थे, जब भगीरथ गंगा को लेकर आए थे, सात ऋषि ध्यान मग्न थे, अब गंगा में ताकत नहीं कि समग्र ऋषियों को हम बहा करके चली जाए, ऋषियों के बाएं दाएं होकर के गंगा निकल गए, इसीलिए यहाँ सात धाराएं बन गई हैं गंगा की। ऋषियों की भूमि है, इस भूमि को तपोवन भी कहा गया है, ऋषियों ने तप किया, गंगा भी बाएं दाएं से निकल गई है, यहाँ से ऋषियों की तपस्या की इतनी महिमा है, और यह आनंदमय घाट है जहाँ पर सनकादि ऋषि ने कथा का आयोजन किया। महाराज किसी को बुलाना भी पड़ेगा कथा में, तो बुलाने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप सब आएंगे।
अब तो बैनर लगाए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं, क्योंकि आज के लोग बिना प्रदर्शन के श्रवण कर नहीं सकते। इन पहले तो इतना आकर्षण, इतनी श्रद्धा कथा के प्रति, बिना बुलाए सब जाते। महाराज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक छोटी सी तखत लगा देना आनंद नामक घाट पर, अपने आप सब आएंगे। बहुत सारे ऋषि मुनि अपने आप आएंगे, सनकादि ऋषि को साथ लेकर नारद जी से आनंद नामक घाट पर आए। एक तखत लगा दी गई, उस पर चार ऋषि में से एक ऋषि बैठ गए। सुनाऊंगा कल, नहीं तो आज ही सुना दूंगा तो कल आएंगे नहीं। सनकादि ऋषि के सामने सबके सब श्रद्धा गिरा करके बैठ गए हैं, लेकिन कथा शुरू होगी कल अपराध काल में 3:30 बजे से। सनकादि ऋषि ने क्या सुनाया है नारद जी को, विचित्र कथा। भगवान को प्रकट होना पड़ा है, ज्ञान वैराग भक्ति को नृत्य करना पड़ा है उस सभा में, वह आनंदमयी कथा। कल 3:30 बजे आप लोग श्रवण करेंगे। दिन लंबे हैं, इसीलिए मुझे भी थोड़ा सा व्याख्या करने में आनंद आता है, नहीं तो 7 दिन का रहता है तो बड़ी जल्दी रहती है। भागम भाग भागम भाग, किसी दिन 45 अध्याय तो किसी दिन 50 अध्याय को खींचना पड़ता है। लेकिन सुना तो देता हूँ संक्षेप में 335 अध्याय को। यहाँ तो 45 भजन सूरदास जी महाराज का, हरि दर्शन की प्यासी अखिया, एक भजन सुनिए, उसके बाद 2 आध्यात्मिक आरती 4-5 मिनटों में, उसके बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र की आरती, आरती कुंज बिहारी की, वह आरती खड़े होकर के बाद में सब कोई करेंगे। 10-15 मिनटों का कार्यक्रम है, शांति पूर्वक आप लोग बैठे रहें, अंत में प्रसाद लेकर के आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ओम शांति शांति शांति।